हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करने की कोशिश करेंगे। इसमें जिस तरह से गिरावट रही, अब लगभग 200 से 230 के आसपास ये पिछले कुछ 3-4 दिन से कारोबार कर रहा है। अब इस वीक में आपको लगभग 6 नवंबर के आसपास इसका रिजल्ट भी आने वाला है, और इसी 6 नवंबर को ये डिसाइड ये भी करने वाले हैं कि फंड राइज की भी डिसाइड करने वाले हैं एनसीडी के द्वारा, डिबेंचर के द्वारा। तो अब आने वाले दिनों में एक जो न्यूज़ इसके लिए पेनफुल रही है, जो PIL जो 29 नवंबर को इसका डिसीजन आएगा, और हो सकता है जवाब में ये कहा है कि ये PIL को वापस भी ले सकते हैं याचिकाकर्ता। अब देखिए, जो एलिगेशन लगाया था, आपको वीडियो के माध्यम से बताने की भी कोशिश की गई थी कि यस बैंक के साथ जो कुछ गड़बड़ी का मामला रहा है, तो अब ये सब कुछ देखिए आने वाले दिनों में कोर्ट के द्वारा डिसाइड होगा। और कुछ गवर्नमेंट को भी जो लेटर इश्यू किया गया था, तो गवर्नमेंट भी इनका चेक कर रहे हैं कि किस तरह कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो वो भी चेकिंग हो रही है। फिलहाल ये सारा कुछ इन्होंने जो अपडेट किया है वो BSE की वेबसाइट है, उसमें सारा कुछ बताया इन्होंने कि कंपनी किस तरह का है। और समीर गहलोत के बारे में बताया गया है कि स्टार्टिंग से बताया गया समीर गहलोत जो इनके प्रमोटर्स हैं उसके बारे में बताया गया, और कितना NPAs है और कितना बैलेंस शीट है। FY19 और 20 में जो बैलेंस शीट है लगभग 1,20,947 करोड़ का रहा है, और पिछला जो 18 और 19 का था लगभग 1,38,236 का था, ये करोड़ की बात बता रहे, 1,38,236 करोड़ का, और लगभग 12% की कमी आई है। बट स्टॉक तो लगभग अब देखिए कहाँ 1,012-1,300 से लगभग 200 के ऊपर आया है। अब लोन एसेट लगभग 1,13,189 करोड़ के आसपास था, और पिछला जो है 1,25,628 करोड़, लगभग 9% की कमी है। ये सारा कुछ ये कुछ पॉइंट आप लोगों को इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि कंपनी में क्या हो रहा है, किस तरह से अपडेट हो रहा है। ये सारा कुछ आपको BSE की वेबसाइट में ये डेटा मिल सकता है। प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 1,475 करोड़ का रहा था, और पिछला जो है 1,690, ये पिछले जो क्वार्टर जो Q1 का जो क्वार्टर का था, और पिछले उसमें लगभग 12% नीचे की तरफ और प्रॉफिट था 802 करोड़ का, और 1,055 जो है पिछले क्वार्टर में था, लगभग 24% नीचे की तरफ था। अब देखिए इसका NPA जान लेते हैं, बहुत सारा डेटा है, इसको पढ़ने में तो पूरा 20 मिनट से 30 मिनट लग जाएगा। बेटर देन ये है कि इसके मेन इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट बताने की कोशिश थी आप लोगों को। इनका जो NPAs है अभी दिखाया ना, ग्रॉस NPAs 1.47% रहा है और नेट NPAs 1.10% रहा है। तो अब देखिए कहाँ 6 से 7%, 5% तक का स्टॉक जो है काफ़ी हलचल रही है। अब ये 1.5% के आसपास का है, तो स्टॉक को काफ़ी ऊपर की लेवल पर होना चाहिए। बट अब एलिगेशन का मामला है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप लोगों को ज़्यादातर जानकारी है ही है उसके बारे में, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में गिरावट रही है, काफ़ी इन्वेस्टर्स ने देखिए ऊपर की तरफ से एक लेके रखा है लगभग 400 से 500 के आसपास, उसके ऊपर भी लिए हुए हैं। बट जो मेन जहां से इसकी न्यूज आई थी गिरने का जो कारण रहा था, लगभग 450 के आसपास से ये गिरावट आई है, बहुत तेज़ी से वो भी गिरावट आई है। अब देखिए इसमें जो कारोबार रहा है पिछले कुछ समय से, ये तो आप लोगों को ये जो अपडेट था ये बताने का रीज़न था, अभी रिसेंटली हुआ है ये। अब रिजल्ट भी आएगा, आप लोगों को 6 नवंबर का भी इंतज़ार करना चाहिए, उसके बिहार पे देखिए रिजल्ट भी ठीक ठाक आना चाहिए, क्योंकि जो पिछले क्वार्टर का था टाइम था वो थोड़ा इलेक्शन का भी था, वहाँ से फिर इलेक्शन कम्प्लीट हुआ, तो फिर लोन भी हो सकता है थोड़ा सा इनकम का कमी पैसी है। बट जिस तरह से अब सोचा जा रहा है कि काफ़ी NPAs हैं, तो उसमें जो है ज़्यादा इनको प्रावधान नहीं होगा, प्रोविजन नहीं होगा, और उसके हिसाब से फिर स्टॉक रिएक्ट कर सकता है। बट इस महीने आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का भी डिसीजन आना है, उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव रह सकता है। तो जिन्होंने भी निवेश किया है उनको भी इस अगर ये जो इन्होंने अपडेट किया उसके हिसाब से देखिए आने वाले दिनों में स्टॉक में तेजी रह सकती है, और थोड़ा सा देखिए अब जिस तरह से मार्केट चलता है उसी तरह से स्टॉक चल सकता है। और NBFC में अभी थोड़ा प्रॉब्लम थी, अब थोड़ी धीरे धीरे जिस तरह से सरकार ने गवर्नमेंट ने इम्प्रूवमेंट किया है, तो उसमें से अब इंडिया बुल हाउसिंग में भी आने वाले दिनों में आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं।
बट जो एलिगेशन है उसको थोड़ा सा अगर खत्म हो जाता है तो स्टॉक बहुत तेजी पकड़ सकता है अपने इस भाव से। अब देखिए इसमें इनका सारा फोकस ये है कि ग्रोथ पर रहेगा, जैसे कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने हैं। इनका जो गगन बग्गा जी हैं उन्होंने कहा था कि लगभग 20% के हिसाब से ग्रोथ रहेगी आने वाले दिनों में, तो हो सकता है कि उसी तरह से आप लोगों को रिजल्ट भी दिखे। बट जो ये क्वार्टर रहेगा, इसके बाद का जो क्वार्टर रहेगा ये अच्छा आता है आएगा, और दिसंबर के बाद तो उसमें फिर स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। देखिए अब इसका जो ट्रेड था इसको जानने की कोशिश करते हैं, किस तरह से इसने ट्रेड किया है पिछले कुछ दिनों से, फिर कुछ टेक्निकली भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक का जो लेवल है वो कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। देखिए ये एनएससी की वेबसाइट है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का, लगभग 218.60 रुपये में इसकी क्लोजिंग आई है, क्योंकि ये देखिए 206 रुपया इसका प्रीवियस क्लोज था और 208.70 रुपये में ये ओपन हुआ था। ये ट्रेड जो बता रहे हैं आपको, जो फ्राइडे का ट्रेड था उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लगभग ये जो ट्रेड बता रहे हैं 1 नवंबर का बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लगभग 236 रुपया हाई किया था, वॉलेटिलिटी देखिए 236 रुपया हाई किया, 207.50 रुपये लो किया, वहां से फिर कुछ ऊपर की तरफ गया लगभग 215-16 तक, और एडजस्टमेंट जो प्राइस आया 218.60 रुपये के आसपास आया। अब 206.65 रुपये प्रीवियस क्लोज था, तो थोड़ा सा देखिए 200 के आसपास से, एक तरह से मान के चलिए आप 190 से 230 और 240 के आसपास तक इसका कारोबार रहा है। वॉल्यूम भी का लगभग 6 करोड़ का वॉल्यूम रहा है, काफी अच्छा वॉल्यूम रहता है इसमें, और इंट्रा डे और लगभग 206 से और 236 तक गया, तो 30 रुपये का तो वॉलेटाइल पर डे रहता है। बट जिस तरह से इसने गिरावट दिखाई थी 450 के आसपास से, तो उसमें से काफी इन्वेस्टर्स 450 से इसने गिरावट दिखाई थी उसमें से काटने को नहीं मिला, क्योंकि एक दिन ही 35% गिर गया तो फिर स्टॉक कहाँ काटेंगे बहुत, पर उसी के हिसाब से वो ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएगा उस तरह का रेजिस्टेंस बना रहेगा। अब इसका थोड़ा सा टेक्निकल जानने की कोशिश करते हैं, किस तरह से इसकी गिरावट आई थी, तो उसी के हिसाब से आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर आप लोगों को याद है ही है, देखिए इसने जब गिरावट दिखाई थी तो लगभग 265 और 280 के आसपास आया था ये, उसके बाद 235 और 236 के आसपास आया था, अब ये 218 220 के आसपास है। अगर इसने ऊपर की तरफ देखिए लगभग अगर 236 रुपया इसने ऊपर की तरफ हाई बनाया है अभी रिसेंटली, मैं बता रहा हूँ ये 1 नवंबर का, तो इसको अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ लगभग 240 और 43 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ 250 को जाता है, वहां पे अच्छा ट्रेड करने की कोशिश करेगा, तब आपको फिर 270 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जो इसने एक ऊपर की तरफ जब गया था ये लगभग 260 के आसपास तक, उसको अगर ब्रेक करेगा तो आपको फिर वहां से 20-30 पॉइंट 280 या 290 तक जाने की कोशिश करेगा, तो इस तरह से ये ट्रेड कर सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। और नीचे की तरफ उम्मीद है कि अब ये 190 से 180 के से नीचे नहीं आएगा, और मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन होगा तो इसी के आसपास जैसे 200, और क्योंकि ये दोनों तरफ का स्टॉप लॉसेस भी ब्रेक कर देता है और काफ़ी वॉलेटाइल, इससे देखिए अब एक तरह से डॉजी टाइप का, एक तरह से किसी भी तरफ जा सकता है डॉजी टाइप का। देखिए अब 215 के आसपास, 216 के एडजस्टमेंट आया, 218 के आसपास, 236 तक हाई गया, तो बाई वालों को भी कमाने के लिए दिया, फिर सेल जिन्होंने किया होगा लगभग 230 233 के आसपास उनको भी कमाने के लिए दिया, तो इस तरह से इसमें कारोबार होता है और बोथ साइड से अच्छा कारोबार होता है। जिन्होंने देखिए ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं उनको अब ये लेवल जो है लगभग 270 से 280 के ऊपर ये कारोबार करेगा तो आपको फिर एक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है ये, और ये तभी जाएगा। देखिए जब एक तो इनका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए आने वाले दिनों में, दूसरा ये पीएल जो एलिगेशन लगाया गया है अगर वो खत्म हो जाता है तो फिर आपको ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक को लिया है उनको अभी वेट करना चाहिए, और जिस तरह से इन्होंने अपडेट किया इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनी में जिस तरह से लिक्विडिटी है लगभग 18,000 करोड़ रुपया, इसकी कोई बात नहीं करता कुछ किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो ज़्यादातर अभी इसको सेल में लगे हुए हैं, तो अभी जब तक इसका निगेटिविटी इसमें एक्सपर्ट सेल में लगे हुए हैं, बट कंपनी ने जिस तरह से अपना अपडेट दिया है और अच्छा खासा इनका कंपनी चल रही है, और सिर्फ ये एलिगेशन अगर हट जाता है तो कंपनी और तेजी से ग्रो कर सकती है आने वाले दिनों में।
अब ये इसका व्यू ये है कि आने वाले दिनों में ये तेज हो सकता है, बट एक कंसर्न ये जो पीएल का है उसके वजह से थोड़ा सा इसमें उतार चढ़ाव रह सकता है। और प्लस ये है कि जो जिन्होंने यहाँ पे ले रहे हैं तो अपने एक होता है क्या कि आप बढ़ेगा करके बहुत सारा अमाउंट ले लेते हैं, उस तरह से काम ना करिए, आप अपने हिसाब से लीजिए ताकि आने वाले दिनों में थोड़ा सा समय लगाता है तो आप उतना आप टाइम दे सकते हैं, उस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, इसको भी ध्यान में रखिए, ये इसमें जब भी इन्वेस्टमेंट करें, और प्लस एक साथ पूरा पैसा लगाने की कोशिश ना करिए कोई भी स्टॉक में। तो ये एक व्यू और राय ये हो सकती है। इफ अगर आप लोगों को ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, और यूट्यूब की तरफ से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है। और इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ये इंडिया बुल हाउसिंग का अपडेट था आप लोगों के लिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।